इस वक्त हम अल जामितुल कासमिया कानपुर में हैं। उन्हीं इंतजाम में एक मदरसा प्लस का सिलसिला भी है और हिंदुस्तान के जिस मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ मदरसा प्लस ने अपना सेंटर कायम कर रखा है, आपके मदरसे में भी एक सेंटर कायम है। माई नेम इज मकसूद आलम, बेसिकली आई बिलोंग टू कानपुर। आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। शाहीन में आने के बाद मुझे बहुत सा अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ कि मैं शाहीन जैसे इंस्टीट्यूशन को पाया हूँ, और मैं 6th क्लास तक की अपनी स्टडी की हूँ, और मैंने अपनी स्टडी के दौरान में इतना सब नहीं सीखा जो हमको शाहीन ने सिखा दिया। पूरे समझदारी के साथ मैंने पढ़ी है, जैसा कि मैं आपको सुना रहा हूँ। When Dr. Umar finished his night duty and came home, his family was at the breakfast table that the children greeted their father joyfully. I want to make my career in the field of medical to serve the country. सबसे पहले मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को सलाम करता हूँ इस सराहनीय कार्य को। उन्होंने हम लोग को एक ऐसे प्रोग्राम में मौका दिया जहाँ पर हिंदुस्तान के मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, जहाँ तक ये था कि मैंने हिफ्ज किया, हिफ्ज के बाद मैं पैथोलॉजी में जॉब कर रहा था। उसके बाद मैं शाहीन का नाम सुना, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के बारे में मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं एक हाफिज़ हूँ। फिर जब मैं देखा तो घबरा गया कि काश कैसे हो सकता है। फिर लेकिन मैं जब पहली बार शाहीन में आया तो मैं कलम को देख के घबरा गया था कि कैसे काश कैसा होगा, लेकिन जब मैं शाहीन में आया तो आज यहाँ बहुत कुछ सीख गया हूँ। जैसे मैथ में बहुत कुछ मुझे आने लगा, हमारे जावेद सर हैं जो हमें अलजेब्रा से लेके कोई भी चैप्टर अब मेरे लिए ईजी है। कोई मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं रहने वाला कुशीनगर का हूँ और मैं हाफिज़ कुरान हूँ। जब मैं हाफिज़ कुरान बन गया और मेरा दौर मुकम्मल हो गया तो मैं सोच के बड़ा परेशान था कि मैं आगे की पढ़ाई मैं कैसे करूँगा। और हम जैसे लोग भी ऐसे आते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और भी सिविल सर्विस में जाएँ, तो हम लोग ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं और पैसे की वजह से हम हर जगह मार खाते हैं, हमारी हालात सही नहीं होती है और हमें पढ़ना रहता है। हम इसी सोच में परेशान थे, लेकिन जब हमें मदरसा प्लस के बारे में मालूम चला, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के बारे में मालूम चला, तो मैं बड़ा खुश हुआ। और इसके बारे में मैंने पढ़ा, इसके बारे में सुना, इसके बारे में मैंने जानकारी लिया, तो बड़ा अच्छा लगा हमें। और जब मैं मदरसा प्लस में आया तो मेरे सामने जो कुछ सवालात आए तो मैं घबरा गया, देखे कि मैं इसे कैसे करूँगा क्योंकि मैं कभी इससे पहले स्कूल गया नहीं था। और हमारे टीचर जैसे सहमत दिया और समझाया बुझाया, हमें पढ़ने का तरीका बताया, और आज माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सामने कोई क्लास 1st से लेकर क्लास 10th तक कोई मैथ आप रखेंगे तो हमें उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरे सामने जो चीज़ सोच कर डरते थे तो हमसे नहीं होने वाला था, उस चीज़ को हम आज लेकर फ़ख्र करते हैं और हमारी टेंशन दूर हो गई। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने हालात को अपनी कमज़ोरी ना बनाइए, आप अपने हालात को अपनी मजबूती बनाइए, आप उससे आप एक सीखने वाला बनिए कि दुनिया देखे तो कहे कि भाई ये लड़का ऐसा था जिसका हालात ऐसा था, लेकिन उसने अपने मेहनत पे, अपने मेहनत के दम पे आज इस मुकाम पे है कि लोग उसको दुनिया सलाम करती है, लोग दुनिया उसके एक अलग नाम से, एक पहचान से जानती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई से डरो मत, हालात से डरो मत, मुकाबला करो, लड़के आगे बढ़ना सीखो और मदरसा प्लस में आप आकर दाखिला लो। पढ़ाई जो है, पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम चीज़ है। जैसे हमारी ज़िंदगी है वैसे हमारी पढ़ाई है। अगर हमारे अंदर पढ़ाई है, इल्म है, तो हम एक इंसान हैं। हमारे अंदर इल्म नहीं है तो हम एक इंसान नहीं हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर सहूलियत है तो हम कुछ समझ सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। शाहीन में जो माहौल रहता है, जो हुफाज बच्चों के लिए, जो ड्रॉप आउट के लिए, वो काफ़ी मैंने यूनिक पाया। कुछ बच्चे आते हैं हमारे पास जिनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन कुछ भी मुकम्मल नहीं होता है, वो पता नहीं किस तरीके की तालीम लेकर आते हैं। आफ्टर ज्वाइनिंग द शाहीन उनके अंदर इस तरीके का बदलाव होता है कि वो खुद भी अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। मैं शाहीन का शुक्रगुजार हूँ अपनी इस सलाहियत को ठीक करने के लिए और इन बच्चों के फ्यूचर के लिए। हमारे बीच जनाब मौलाना शुएब कासमी साहब मौजूद हैं जो इस इदारे के सरबराह भी हैं और इस इदारे के मामलात को देखते हैं। सरबराह तो मौलाना आपके वालिद मोहतरम हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में तमाम मामलात की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। मदरसा प्लस प्रोग्राम का सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो गोया कि
عوام کے اندر اور دنیاوی کے اندر یہ ایک تہمت تھی کہ ان مولویوں کو سوائے قرآن حدیث کے علاوہ کوئی چیز نہیں آتی، تو یہ مدرسہ پلس کی پڑھائی اس تہمتوں کو ختم کرنے کے لیے ہے کہ جو بچہ حفظ کر لیا یا عالم بن گیا تو عالم اور حفظ کرنے کے بعد وہ اس مدرسہ پلس میں داخلہ لے کر دنیاوی لائن سے اپنے آپ کو چاہیں تو ڈاکٹری لائن سے پڑھائی کر سکتا ہے یا وکالت کے لائن سے پڑھائی کر سکتا ہے، اسی طرح دیگر اور شعبے جو دنیاوی لائن سے ہے یہ مدرسہ پلس جو بیدر سے نکلا ہے اور تمام انڈیا کے ہر چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے جگہوں پر پہنچا ہوا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بچہ یہاں سے حفظ کر لیتا تھا، اگر وہ عالم نہیں پڑھتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ اب وہ کیا کرے، تو یہ مدرسہ پلس قائم کر کے تو گویا کہ ایک روشن راستہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے ان بچوں کو دکھایا ہے، یہ گویا کہ روشن راستہ ہے جو ان کو دنیاوی میں بھی کام آئے گا، ورنہ بہت سی جگہیں ایسی تھیں کہ انسان ٹرینوں کے اندر اپنے ٹکٹوں کو بنوانے جاتے تھے تو ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس پرچے کو کس طرح بھرا جائے، دوسروں سے پوچھتے تھے، اس سے بڑی خراب میسج جاتا تھا کہ ان مولویوں کو سوائے قرآن حدیث کو کچھ نہیں آتا، تو یہ مدرسہ پلس جو مدرسے سے چیز جڑ گئی ہے یہ اب بچوں کے اندر دنیوی شعور کو بیدار کرنے کی ہے۔